गाइस हेलो एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल है यार। तो आज मैं एक ऐसी लोकेशन पे जा रहा हूँ जो लगभग शिमला से 53 किलोमीटर्स के लगभग पड़ती है। जगह बहुत अच्छी है, जो वो जगह है एडवेंचर लवर्स के बीच खासी फेमस हो रही है। उस वक्त वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट ज़्यादा नहीं था, बट अब है। अगर आप शौकीन हैं इस चीज़ के, तो इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आज का व्लॉग जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल। तो बिल्कुल शिमला ढली प्रॉपर क्रॉस करके आज से फिर बहुत आता जाता हूँ मैं इस रूट पे, क्योंकि मेजर सब कुछ यहीं पे है जो शिमला में अच्छा देखा जा सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सामने करसोग, नालदेरा, कुफरी, नारकंडा, रामपुर। करसोग वाली जगह आप जाएंगे 98 किलोमीटर्स है, इसी रोड पे जो हमारी लोकेशन है अगली वो पड़ती है। अब हम लेफ्ट जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर आप कुफरी चाइल की तरफ चले जाते हो, बिल्कुल लेफ्ट में नीचे जो रोड है वहाँ जाएंगे। और आपको आज एक बहुत ही शानदार, अगर आप एक्टिविटीज़ के शौकीन हैं, अगर आप इस नालदेरा वाले रोड पे जाते हैं जहाँ मैं आज जा रहा हूँ, तो आप करने को काफ़ी कुछ है, देखने को भी काफ़ी कुछ है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं नालदेरा तत्तापानी लिखा हुआ है और साथ में कैरिक नैनो लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ से उस साइड चले जाते हैं ऊपर को, तो वहाँ पे कैरिक नैनो पार्क पड़ता है, मैंने जो पिछले व्लॉग्स में कवर किया हुआ है। जगह बहुत ब्यूटीफुल है और काफ़ी कुछ है वहाँ, तो वो करते हुए आप भी आगे जा सकते हैं। कैरिक नैनो पार्क है वहाँ पे, वरना अगर आपको डायरेक्ट तत्तापानी जाना है तो तत्तापानी जा सकते हैं। तो ये वो फर्स्ट लोकेशन है, पहली जो मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह को मशोबरा बोलते हैं। मशोबरा में सबसे पहले देखने लायक जो जगह है वो आपके यहाँ पे राइट साइड पे, अगर आप देखेंगे ये पड़ता है आपका ऊपर को, यहाँ पे कैरिक नैनो पार्क है। इस साइड को अगर आप इस साइड को जाएंगे तो एक बहुत ही सुंदर जगह पड़ती है, और अगर आप यहाँ से राइट साइड को भी जाते हैं तो यहाँ भी एक बड़ी सुंदर जगह है नीचे जाके। तो ये काफ़ी सारा एरिया आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये फर्स्ट लोकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से तो आगे चल पड़े हैं हम आज, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन थोड़ा आगे है जी मेरी अभी। तो अब ये है मशोबरा, और मशोबरा भी एक बहुत सुंदर छोटा सा स्टेशन है। तो मैंने सोचा जब मैं जा ही रहा हूँ यार, तो आपको साथ साथ फटाफट जगहें दिखाता हुआ चलता हूँ। मैंने डिटेल में भी एक्सप्लोर की हुई है। राइट में कट गया मैं कैरिक नैनो पार्क की तरफ, ये छोटा सा रास्ता है जो आपको बेहद ही खूबसूरत डेस्टिनेशन पर लेके जाएगा। लेफ्ट काटेंगे आप यहाँ से। एक्चुअली मैं इस रास्ते से आपको लेके जा रहा हूँ, पर इस रास्ते से आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है, यही रास्ता आगे मेन रोड पर कनेक्ट कर जाता है। तो जी कुछ ही दूर चलने के बाद आप पहुँच जाएंगे इस खूबसूरत सी जगह पर, यह है सामने, ये सामने देख रहे हैं आप, ब्यूटीफुल सा ग्राउंड है। और जब धूप लगी हो ना तो मज़ा आ जाता है, या तो बर्फ़ पड़ी हो तेज़ यहाँ पे तब मज़ा आता है, और जब अच्छी धूप लगी हो तो यहाँ सारा टूरिस्ट और लोकल वहाँ धूप सेक रहे होते हैं। थोड़ा सा टाइम बिता के यही रास्ता सीधा आपको मेन रोड पे कनेक्ट करेगा, जहाँ से आप तत्तापानी भी जा सकते हैं और नालदेरा भी जा सकते हैं, मतलब ये साइड करते हुए सारी, ठीक है जी। तो उस जगह से सिर्फ आप एक दो मिनट ड्राइव कर लेंगे तो आपको सामने बोर्ड आएगा, वेलकम टू कैरिक नैनो नेचर पार्क। ये सामने आप नेचर पार्क है, यहाँ पे एंट्री है मेरे ख्याल 40-50 रुपए। ये सामने अगर आप देखेंगे ऊपर को, ये सामने नेचर पार्क है, और सच में बता रहा हूँ ये नेचर पार्क आपके और आपके बच्चों के लिए डिलाइट है, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स और बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, बहुत साफ सुथरा है। अब यही रास्ता छोटा सा आपको लेके चलेगा, और बेहद खूबसूरत देवदार के पाइन, देवदार के ट्रीज हैं, और ये लेके जाएंगे आपको नालदेरा, मेन रोड पर कनेक्ट करेंगे। तो ये समझ लो कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, और ये आपको बिल्कुल मेन हाईवे पे कनेक्ट कर देगा यहाँ पे, ये जहाँ से HRTC बस जा रही है, ये कोई भी गाड़ी जा सकती है। अगर आप एज अ टूरिस्ट बस में भी आए हैं तो यहाँ से आपको लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड से और आपको ISBT से भी बसें मिल जाती हैं जो तत्तापानी जाती हैं, और तत्तापानी के लिए काफ़ी बसेज हैं जिनमें आप तत्तापानी जा सकते हैं, वापस भी छोड़ देंगी आपको और ले भी जाएंगी आराम से। तो जी अब हम थोड़ा सा ही आगे लग, ये समझ लो कि वहाँ से 2-3 किलोमीटर और ड्राइव करिए, और एक और लोकेशन है, ये भी बहुत खूबसूरत लोकेशन है। यहाँ पे एक मंदिर पड़ता है बहुत खूबसूरत, और बैठने के लिए ऊपर पार्क बना हुआ है। ये रास्ता है, अगर आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ऊपर को, ये रास्ता जाता है, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर आपका मैं बता दूँ बल्दिया पड़ती है ये जगह, और यहाँ पे अग्निशमन जो है फायर ट्रेनिंग सेंटर भी है, बट ऊपर जाके लोकेशन इतनी ब्यूटीफुल है, मैं आपको लिंक में जो है सारे व्लॉग्स के लिंक डाल दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे व्लॉग के लिंक्स डाल दूंगा। अगर आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे वहाँ पे, वो देख रहे हैं चट्टान में जो बना हुआ है, ये मंदिर है शिव भगवान को डेडिकेटेड है, इसी रास्ते पे पड़ेगा, जस्ट जिस लोकेशन पे था वहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। मैं सजेस्ट करूँगा, इस मंदिर की स्टोरी बहुत अच्छी है, आप पंडित जी से भी पूछेगा इसकी स्टोरी क्या है, क्योंकि ये स्वयंभू मंदिर है, खुद ही शिवलिंग यहाँ पर निकला था, भगवान भोलेनाथ जी ने दर्शन दिए थे किसी को और उसके बाद ही शिवलिंग जो है निकला यहाँ पर, बट जगह बहुत प्यारी है।
ये है जी सामने का खूबसूरत व्यू और वो रहा सामने मंदिर। तो जी अब ऑलमोस्ट हम नालदेहरा पहुंचने वाले हैं। ये कैसे आपको एक घोड़ा और यहाँ पे राइडर्स दिख जाएं घोड़े पे राइड करते हुए, तो समझ लीजिए कि टूरिस्ट नालदेहरा नज़दीक में ही। ऊपर को आप देखेंगे तो गोल्फ कोर्स है, गोल्फ कोर्स में शायद फीस है तभी अंदर जा सकते हैं आप, और ऐसे यूजली इसमें घूमने नहीं देते हैं। तो ये है जी नालदेहरा, यहीं आपको घोड़े वाले भैया भी मिल जाएंगे, यहाँ से आपका गोल्फ कोर्स भी है। सुन्नी 28 पड़ता है यहाँ से, करसोग 86 किलोमीटर पड़ता है। ये सामने देख सकते हैं आप, यहाँ से ये सामने ऊपर गेट है जहाँ से आपको ऊपर जाना है, ऊपर जाके ग्राउंड आएगा या फिर हॉर्स राइड भी कर सकते हैं। और इधर को गोल्फ कोर्स चला गया वो सामने। तो ये है जी जगह, पीछे जो आपको वादियाँ दिख रही हैं वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और ये सुन्नी तत्ता पानी है नीचे। अगर आप देखेंगे, मैं फ्रंट कैम से आपको व्यू दिखाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा डिलाइट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे वो नीचे। सो ये है जी ब्यूटीफुल तत्ता पानी, ये सामने वो सामने ये देख रहे हो क्या शानदार वो घूम के लेक, वहाँ से यहाँ आ रही है, क्या ब्यूटीफुल जगह। नहीं बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है ये, मतलब एक दिन पूरा अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे आप, क्योंकि 50 किलोमीटर है 50 वापस, तो समझ लो 100 किलोमीटर की तो ड्राइव ही होगी। तो रिवर राफ्टिंग के लिए आप जो देख रहे हैं यहाँ से ये वाला रोड है, आपको इस साइड को जाना है इस रिवर राफ्टिंग के लिए। जब आप मोड़ काटेंगे तो ये तत्ता पानी की तरफ चला गया, यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर तत्ता पानी होगा, राफ्ट इस साइड को होती है, बुकिंग ऊपर ही हो जाती है राफ्ट की। फिर भी एक बार आगे जाके देखाते हैं कि क्या है वहाँ पे। और तो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ रोड के साथ से ही चाबा पावर हाउस लिखा है ना, यहाँ से नीचे को है शायद ये रास्ता है जो राफ्टिंग की तरफ जाता है। यहाँ पे राफ्ट वगैरह, क्योंकि अभी टूरिस्ट जो नीचे से आया गाड़ी से वो यहीं से आया। वो सामने है राफ्ट नीचे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, वो नीचे राफ्टिंग हो रही है, वो हो रही है राफ्टिंग उधर। वो देखो जी आपको एक राफ्ट दिख रहा होगा नीचे, वो देखो पानी का जो बहाव है काफ़ी कम है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू मनाली और बाकी जगहों से, तो कंपैरेटिवली सेफ लगेगी आपको यहाँ पे करनी राफ्ट। ये नीचे राफ्ट दिख रही है, बेहद खूबसूरत नज़ारे में आ गया हूँ मैं। ये तत्ता पानी का ही एरिया पड़ता है इधर को, आप देखोगे अगर मेरे ठीक पीछे भी। तो भैया ने ऐसा कहा कि ये यहाँ इस पुल से एक पीछे लोकेशन है जहाँ पे आपको लेके जाएंगे, डिपेंड करता है रेट्स पे, आपसे 5,000-6,000 इस तरह राफ्ट्स होती हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर भी जाती है एक पीछे और एक यहाँ, और जो पूरी नीचे तत्ता पानी लेके जाती है, और एक ये राफ्ट है एक घंटा लगता है यहाँ तक पहुँचने में। पीछे कहीं लेके जाते हैं वो भी है एक राफ्ट जो यहाँ पे उतरती है, और यहाँ ड्रॉप पॉइंट है और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। एक काफ़ी पीछे लेके जाते हैं आपको कोई जगह है, वो भी लोकेशन है अगर आप राफ्टिंग के शौकीन हैं तो। राफ्टिंग के लिए जगह भी मेरे को सेफ लगी एक्चुअली ये, क्योंकि जो फ्लो है मेरे को ऐसा लगा कि कंपैरेटिवली और जगहों से फ्लो काफ़ी कम है यहाँ। तो ये राफ्टिंग का रेट है, बाकी एग्जैक्ट देखता हूँ कि सिंगल बंदे का क्या होता होगा, कि अगर मैं इंडिविजुअल आया हूँ तो पूछता हूँ किसी से अगर बन पाएगा। ये जो पुल है ये रोप वाला पुल है, पता नहीं ये फील कर पा रहे हैं कि नहीं, बट ये ऐसे 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 वेव कर रहा है जैसा कुल्लू मनाली में नहीं पड़ता एक अनोगी देवी के पास, वैसा ही पुल है ये भी, काफ़ी मतलब ऐसे कर रहा है ये, वेव कर रहा है ये, देखो काफ़ी हिल रहा है ये है जी सामने। तो मैं जी लगभग घूमते फिरते ये समझ लो कि 1-1.5 घंटे बाद यहाँ पहुँच चुका हूँ, काफ़ी आहिस्ते है, राफ्ट वाली जगह भी गया था। तो ये है सामने तत्ता पानी, बेहद खूबसूरत है, और वो सामने सांप को दिख रहा होगा सारा। यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है बेसिकली। तत्ता पानी का कंसेप्ट क्या है, तत्ता पानी हमारे यहाँ मंडियाली में ताता जो है, ताता गरम को बोला जाता है, तो यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं एक्चुअली, तो इसीलिए इस जगह को ताता पानी बोला जाता है। ताता पानी गर्म पानी के यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, सल्फर वाला पानी होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो मतलब नहाते वगैरह भी हैं लोग वहाँ हैं साथ में, वहाँ बोटिंग भी हो रही है अगर आप मेरे पीछे देखेंगे। एक चीज़ और है राफ्ट की, मैं आपको बता दूँ क्या हुआ वहाँ पे, जो राफ्ट चल रही थी उन्होंने कहा कि सिंगल बंदा अगर करता है तो लगभग 1200 रुपये लगते हैं। एक बहुत लंबा ट्रैक है 25 किलोमीटर का वो है, वरना
एक थोड़ा छोटा है 12 किलोमीटर का, 12-13 किलोमीटर का, उसमें आपको 1200 रुपये देने पड़ते हैं। जो बड़ा है 25 किलोमीटर वाला, वो 12,000 की टोटल राफ्ट होती है, उसमें फिर शेयरिंग पर्पज़ में जितने भी लोगों को आते हैं वो शेयर कर लेते हैं। तो अगर आप राफ्ट के बेहद शौकीन हैं तो उस साइड जा सकते हैं, वरना तत्ता पानी आ सकते हैं। ये जी खूबसूरत नज़ारा सामने देखो तत्ता पानी का, तो ये पहुंच गए जी तत्ता पानी डिस्ट्रिक्ट मंडी, मेरे शहर में मंडी में। ये जी गाड़ी में थोड़ा सा आगे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ से नीचे गाड़ी उतर जाती है और यहाँ से हम गाड़ी ले जाएंगे नीचे। तो गाइस हम पहुंच गए हम तत्ता पानी में, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड, आई एम लाइकिंग इट। वो देखो सामने, वो लगता है भाई मेरे को सही, वो भाई साहब वो है चीज़ एक्चुअली करने वाली, आपकी बोटिंग हो जाएगी। ये यार बहुत अच्छा, मतलब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, जब हम पहले आए थे उतना डेवलप नहीं था आई लिए, अब डेवलप हो गया पर बहुत सही तरीके से, अब बहुत सही लग रहा है। 20 चार्जेस भाई, वो इतना तेज चला रहा है ना, भगवान कसम है इतनी तेज चला रहा है यार वो स्कूटर, माँ कसम में गिर जाओ ना, हर कुछ ही तेज चला रहा है। वो देख रहे हो सामने, वो देखो सामने बहुत ही फास्ट चल रहा है, वो देखो बहुत सही चल रहा है यार, वो देखो तो ये है जी बोटिंग। और भाई गजब स्पीड है बंदों में, गजब स्पीड है। भाई वो गोली की स्पीड में चला रहा है वो लड़का, भगवान कसम बहुत ज्यादा तेज चला रहा है वो, मतलब आपको तगड़ा ही एडवेंचर, मतलब एड्रेनलिन रश होता है ना जो ऐसा आएगा ना, वो ऐसा खींच रहा है ना वो इसको। तो यार गाइस मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अभी जब तक इतना एडवेंचर देख रहा हूँ मेरा भी मन हो गया कि एक काम करता हूँ मैं भी चलता हूँ। यहाँ पे एक बोट राइड हो रही है 100 रुपये में, आपको 20 से 25 मिनट घुमाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका मज़ा उठाते हैं और आपको भी आनंद देते हैं। स्टे ट्यून, मज़ा आने वाला है। तो गाइस ये जो सामने आपको वाटर स्कूटर दिख रहा है ना, इसका बोलते हैं 700 से 1000 के बीच की राइड होती है, 700 रुपये और 1000 के आसपास की कुछ राइड होती है। मतलब ये आपको 5 से 10 मिनट राइड करवाते हैं इसी तरह से, मतलब फुल एडवेंचर।
तो ये है जगह, हॉट वाटर स्प्रिंग्स है ये, मतलब होटल पड़ता है बिल्कुल, ये समझ लो कि सबसे अच्छी लोकेशन पे आई बिलीव यही वाला बना हुआ है यहाँ पे, जिससे आपको शानदार व्यू दिखेगा। तो यहाँ पे अब भूख लगी है, इनफैक्ट मुझे तो, मैंने सोचा क्यों ना एक हनी चिली पोटैटो भूख लगी है और एक कॉफ़ी पी ली जाए साथ में, क्योंकि वापस जाना है शिमला और शिमला पहुँचेंगे अभी शाम को ही हम, तो ये भी इंजॉय करके देख लेते हैं, मील भी देख लेते हैं, देखते फिर कैसा लगता है। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये बिल्डिंग है और ये है सामने का व्यू। अच्छा, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से, क्या बोलते हो, है ना। तो जी आ गया है मेरा हनी चिली पोटैटो, देखने में तो अच्छा लग रहा है, खा के बताता हूँ कैसा है। हनी चिली पोटैटो बहुत सही था, चाय भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। एक बार यहाँ से आपको ग्रैंड व्यू दिखा रहे हैं, ये है जी व्यू, पूरा एंजॉय हो गया आज। और ये सामने का व्यू और ये देख लो सामने। और आई होप आपने भी उतना एंजॉय किया होगा जितना आज मैंने एंजॉय किया, मुझे बहुत सही लगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हैं, काफी एंजॉय करेंगे। तो छोटा सा यहाँ पे ना, मतलब गोलगप्पे पापड़ी छोटे छोटे स्टॉल्स भी लग गए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि ब्यूटीफुल मंदिर। और अब मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पे अब एज़ कम्पेयर टू पहले के मुकाबले रौनकें भी बहुत बढ़िया हो गई हैं। जी है जी नहाने वाला, तो ये है जी, अगर आपको नहाना हो यहाँ पे तो पानी है गर्म, हाँ गर्म है यार पानी गर्म। वो देखो डाइवर भाई हमारा डाइव कर रहा, देखो अंडर वाटर ड्राइव, ये देखो आप, बढ़िया है यहाँ आने के लिए आजकल भाई, गर्म मतलब ठंड में तो यहाँ मज़े ही आ जाता होगा इस गर्म पानी में घुस के। और इस पानी का काफ़ी फ़ायदा होता है वैसे, मैं बता दूँ आपको, स्किन रिलेटेड डिजीजेज और जोड़ों की दर्द वगैरह के लिए बोलते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। वो देखो कुछ वहाँ भी है, यहाँ भी बने हुए हैं, ये भी पानी गर्म है, ये देखो। मैं तो नहीं नहा रहा हूँ पर आपको इन्जॉय करा देता हूँ पूरा। सल्फर का पानी है ना इसलिए यहाँ पे स्मेल होती है, सल्फर के पानी में हमेशा एक अलग सी स्मेल होती है, तो वो है ये, ये देखो ये यहाँ भी गर्म है यार, नीचे से आ रहा है कहीं से, देखो बिल्कुल सच्ची बता रहा हूँ, मतलब नहाने लायक बहुत बढ़िया टेम्परेचर मेंटेन हुआ है इसका, बहुत बढ़िया। जेंट्स का तो ओपन ही है, लेडीज़ का आई गेस थोड़ा अंदर को शायद कहीं बना हुआ है जहाँ लेडीज़ वगैरह नहा सकती होंगी, जेंट्स का तो ओपन ही है भाई। मस्त ठंड हो गई अचानक से, क्योंकि ऐसा उम्मीद है कि शिमला में बर्फ़ पड़ने वाली है। व्लॉग बहुत अच्छा था और आई होप आपने भी उतना एंजॉय किया होगा जितना आज मैंने एंजॉय किया, मुझे बहुत सही लगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हैं, काफ़ी एंजॉय करेंगे, फूड भी अच्छा था ना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड माय फ्रेंड्स, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, बाय। इस टाइम जो है यहाँ सड़क से ऊपर से जो तत्ता पानी का व्यू दिखता है ना, इंडिया का मैप लग रहा है पूरा, देख रहे हो, है ना, लग रहा है ना इंडिया का मैप, क्या बोलते हो। वो तत्ता पानी नीचे वहाँ थे अभी हम, और ये सामने